सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हम सफर में जाते थे ना, मेरा बच्चा बहुत उल्टी करता था, हम इतने परेशान हो जाते थे ना सफर में बहुत ज्यादा, घर पहुंचते पहुंचते। पर जब से आपने टैबलेट दी है ना, एक रुपए की टैबलेट है, मैं 1 घंटे पहले दे देती हूँ, इसको उल्टी नहीं आती। बड़ी अच्छी बात है। देखो 1 रुपए की टैबलेट है और पूरा सफर आपका सुरक्षित हो जाता है। तो एक तो ये टैबलेट हर किसी को घर पे रखनी चाहिए। ये टैबलेट प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जितने भी है देश में, देश के हर शहर में जन औषधि केंद्र होते हैं, पीएमबीजेपी स्टोर्स, वहां से आराम से मिल जाती है। एक तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, पांचों हिदायतें भी ध्यान रखनी है जो मैंने आपको दी थी कि अचानक कभी टैबलेट ना मिले तो ये आपका पता होता है। तो आपका पता, जैसे जब सफर करना शुरू किया तो चलने से पहले देख लो भी किस नाक से सांस आ रही है। जिस नाक से अच्छी तरह सांस आ रही है उस पैर के नीचे, उस पैर के नीचे और चप्पल के ऊपर ऐसे रख दो या जूते के ऊपर ऐसे रख दो, पता रखे, और उससे फिर आगे उल्टी के चांस बड़े कम हो जाएंगे। दूसरा, जब सफर करना है तो सफर करने से पहले खाना एकदम, खाना खा के सफर ना करें, 1-2 घंटे पहले खाना थोड़ा कम दो, जैसे कि ज्यादा पेट भारी ना हो, नहीं तो उल्टी के चांस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक जब सफर कर रहा है कोई भी, जिसको सफर की उल्टी आती है, तो सफर में ना जैसे गाड़ी में चल रहे हैं, कार में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो जो पास में चलती हुई चीजों को ना देखे, जो दूर है उधर रखे ध्यान, जो दूर की जो चलने की चलती चीज देख के एकदम दिमाग में चक्कर आने लग जाते हैं। ये शरीर की बनावट किसी लोगों की ऐसी होती है, कान के अंदर जो इनर ईयर होता है उसकी बनावट ऐसी होती है कि किसी किसी को उल्टी की फीलिंग होती है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो दूर की चीजों को देखें या फिर लेट जाए, अगर लेट जाएंगे हम कुछ देखेंगे नहीं तभी हमें उल्टी नहीं आएगी, है ना। और बाकी जो है, अगर सीट का ऑप्शन है तो पीछे वाली सीट पे ना बैठ के थोड़ा आगे की तरफ बैठेंगे तभी चांस कम आएंगे, है ना। तो इस तरह से मेरा ये ध्यान है। बाकी कोई जैसे कोई लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल ना चलाएं उसमें, है ना, सफर की अगर ऐसी फीलिंग है तो उससे बचना पड़ेगा। बाकी वैसे बॉडी की ओवरऑल फिटनेस भी अच्छी होनी चाहिए। अगर बॉडी की ओवरऑल फिटनेस अच्छी होगी तब भी इसके चांस कम हो जाएंगे। तो उसमें एक एक तो सुबह उठ के योग करें, अगर योग करेंगे तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का अच्छा रहेगा, पूरी कान का पूरे जो ऊपर की जो हमारी ज्ञानेन्द्रिया भी कर्मेंद्रिया भी, तो आप कर सकते हैं योग डेली, है ना। देखो एक तो कपाल भाती, फिर अनुलोम, लंबी सांस लेना धीरे धीरे करके, लंबी सांस छोड़ना, है ना, ऐसे प्राणायाम करो। और बाकी सूर्य नमस्कार जैसे 10-15-20 बार, कितने बजे करना है योग, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे खाने पे, है ना, सुबह योग करेंगे तो फायदा होगा, इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जिनसे कि आगे से सफर की उल्टी से बचाव हो जाता है। बाकी लेकिन जो लोग परेशान होते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, सफर दूभर हो जाता है, उनको डर लगता है सफर के नाम से, जिनको ये दिक्कत होती है, कई परिवार के तो कई सदस्यों को ऐसा होता है ना। जैसे कोई लोग होते हैं लेफ्ट हैंडेड, है ना, कोई होता है राइट हैंडेड, ज्यादातर लोग तो दाएं हाथ से लिखते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो कुछ लोगों की होती है पैदाइशी आदत से ऐसी होती है सफर में उल्टी आती है। लेकिन योग करने से और थोड़ी हिदायतों का ध्यान रखने से हमारा सफर सारा सुरक्षित रहता है। ये जो टैबलेट 1 रुपए की टैबलेट, ये तो हर किसी को अपनी गाड़ी में रखनी चाहिए, गाड़ी में भी रखें, पर्स में रख लें बेशक, और ऑफिस में भी रख लें, और जो घर में भी रखें, तो ऐसे मतलब उसमें कभी भी कहीं जाना हो तो उससे पहले अगर 1 घंटा पहले देते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। छोटे मोटे सफर में तो कई बार नहीं होती, लेकिन लंबे सफर में कई लोगों को बहुत लोगों को उल्टी होती है, उसमें इन चीजों का ध्यान। ठीक है, धन्यवाद सर।